बहराइच हिंसा पर बड़ा अपडेट, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपियों के घरों पर बुधवार तक बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। अयोध्या में 35 लाख दीप जला बनेगा विश्व रिकॉर्ड, त्रेता युग की दिखाई जाएंगी झलक। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में रिकॉल एप्लीकेशन पर फैसला आज। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष बोला 18 केस अलग अलग सुने जाए, हिंदू पक्ष ने कहा मामला उलझाया जा रहा। देश का पहला सोलर पैनल बंगाल गंगा क्रूज पहुंचा वाराणसी, 4 दिन में काशी से प्रयागराज के बीच करेगा सफर, गंगा की गोद में रात गुजार सकेंगे पर्यटक। पर्यटन विभाग ने की तैयारी, महाकुंभ में टूर पैकेज कराएगा यूपी के मंदिरों के दर्शन। लखनऊ नगर निगम हुआ सख्त, सीवर लाइन सेप्टिक टैंक कनेक्शन अनिवार्य, मलबा खुले में डाला तो 5,000 जुर्माना। बलिया के 2 युवाओं ने बनाया नया मॉडल, बिना सिम कार्ड के काम करेगा मोबाइल फोन। बेसिक शिक्षा परिषद की किताब में द होली गंगा का पाठ अधूरा, 7वीं कक्षा की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में गंगा पर दी गई है अधूरी जानकारी। यूपी में किसानों और कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, प्राकृतिक मेंथा ऑयल होगा सस्ता, अब सिंथेटिक ऑयल होगा महंगा। युवा शक्ति को कुशल बनाने का आधार बन रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, 13.14 लाख गैजेट किए गए वितरित।